सक्षम, सर्वदा शक्तिशाली। आज विश्व पटल पर महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की पहली शर्त है आत्मनिर्भरता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अतीत में आयुध फैक्ट्रियों का 2 शताब्दियों से भी लंबा इतिहास रहा है। हमारे जांबाज जवानों के शौर्य और पराक्रम को हमारी आयुध फैक्ट्रियों ने आवश्यक आर्म्स, एम्युनिशंस, मिलिट्री व्हीकल्स आदि की आपूर्ति से और भी निखारा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप ढलकर अब इन्हें और आगे बढ़ाना है। 16 जून 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त करके 7 नए रक्षा उपक्रमों को बनाने की मंजूरी दी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन 7 रक्षा उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली 41 फैक्ट्रियों में व्यापक सुधार कर इन्हें अधिक उत्पादक और प्रतियोगी बनाकर नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट्स में बदलने की प्रक्रिया में इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह इस कार्य की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगा। दूरदर्शी निर्णय इतिहास बदलते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। ये कंपनियां अब नई राह पर चलकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोर्ट्स को हासिल करेंगी और आगे बढ़ेंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 65,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंपनियों को हस्तांतरित किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को दी गई आजादी देश के रक्षा उत्पादन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील निर्णय है। ये एक सुनहरे युग की शुरुआत करेगा और आयुध निर्माण में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा।